हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या देखिए रखा है क्वेश्चन कि रोहित की आय, यानी कोई आदमी का नाम है रोहित, शीतल की आय से 50% अधिक है। देखिए ध्यान से, रोहित की आय शीतल की आय से 50% अधिक है, यानी शीतल की आय से ज्यादा है रोहित का। यानी कौन ज्यादा कमाता है? रोहित, ठीक है, शीतल कम कमाता है। बताइए शीतल की आय रोहित की आय से कितना प्रतिशत कम है? आप सोच रहे होंगे ना कि रोहित की आय शीतल की आय से जब 50% अधिक है, इसका मतलब शीतल की आय रोहित की आय से 50% कम है, सिंपल सी बात। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, है कि नहीं? तो देखिए किस तरह से ये बनेगा। हम मान लेंगे कि शीतल की आय क्या है, 100 रुपया है। देखिए प्रतिशत 100 में निकलता है, है कि नहीं? बताए थे कि डिनोमिनेटर में 100 रखा था प्रतिशत में, तो 100 लेने पर क्या होगा कि इसको बनाने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी लिख लेंगे, माना कि शीतल की आय 100 रुपया है, ये मान लिए, ठीक है। 100 माने तो ये आसानी होगा, बाकी हम x भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसीलिए रोहित की आय क्या हो जाएगा, इसीलिए रोहित की आय बताइए आप खुद, आय देखिए इससे है ना 50% अधिक है, यानी 100 तो होगा ही, ठीक है, और 50% अधिक होगा, यानी 100 का 50% क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। समझ में आया? मान लिया कि शीतल की आय क्या है, देखे रखा है कि रोहित की आय शीतल की आय से 50% अधिक है, तो वही मान लिया कि शीतल की आय क्या है, 100 रुपया है, तो इसीलिए रोहित की आय क्या हो जाएगा, इससे 50% अधिक है, तो 100 रुपया, और 50% चूंकि अधिक है तो 100 का 50%, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, 100 और प्लस 100 गुना 50, और प्रतिशत को हटाने के लिए बताए थे कि 100 से भाग, 100 100 का कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 150, ठीक है। तो रोहित की आय कितना हो गया, 150 रुपया, समझ में आया ना। अब बोलता है कि शीतल की आय कितना कम है रोहित की आय से, तो यहां से निकाल लेते हैं प्रतिशत में, हमको निकालना है कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है नहीं, कितना प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे इसीलिए शीतल की आय बराबर 150 माइनस 100 बराबर 50 रुपया क्या है, कम है, रुपया रोहित की आय से कम है। समझ में आ रहा ना, रोहित की आय से कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका प्रतिशत निकालेंगे, है ना, इसीलिए प्रतिशत में, प्रतिशत में, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका निकालना है ना, लेकिन किसके साथ, रोहित की आय के साथ, तो रोहित की आय कितना है, 150, तो बटे 150, चूंकि हमको प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आता तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख लीजिए, यहां से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 100/3 हो जाएगा प्रतिशत, और इसी को अगर पूर्णांक में बदलिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 33/1/3%,
सुनमया, यानी यहाँ लिख दीजिए, अतः शीतल की आय रोहित की आय से 33.1% कम है। देखिए ना, आपका सोच गलत हो गया, समझ में आया ना, मतलब 50% कम नहीं है, कितना कम है, 33.1% कम है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या देखे रखा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा खोपड़ी वाला है, देख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं ना, काहे इतना खर्चा करने जाएंगे फ्री फ्री में। 11 नंबर, 11 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देखिए रखा है, अभी पढ़े, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से कम है तो बी को मान लेंगे। तो इसी तरह से मान लेते हैं, माना कि बी का वेतन 100 है, ठीक है, इसीलिए ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन बराबर क्या हो जाएगा, इससे 20% कम है तो 100 कम है तो माइनस, और 100 का 20% कम है तो का 20%, समझ में आ रहा ना, यहां से आप निकाल लीजिए, प्रतिशत को चेंज कर लीजिए, तो 100 माइनस 100 गुना 20 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 कैंसिल और 100 में 20 गया तो बचेगा 80, यानी ए का वेतन कितना रुपया है, 80 रुपया, समझ में आया। तो हमको निकालना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी का वेतन निकालना है, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए, प्रतिशत में हमको निकालना, तो पहले निकाल लेते पैसा में, इसीलिए बी का वेतन ए से 100 माइनस 80 हो जाएगा, 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपया अधिक है ना, 20 रुपया क्या है, अधिक है, समझ में आया। अब इसी को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए, लिखेंगे इसीलिए प्रतिशत में, प्रतिशत में यहां से कितना हो जाएगा, 20, हमको किससे बोला है, ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है, 80 रुपया, ठीक है, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, यहां से काटेगा तो 20 चौक 80 हो जाएगा, और 4 से काटेगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, 25% हुआ ना। लिखेंगे अतः बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। इसका आंसर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि सर बना दिए इसे, आंसरवा का कुछ पता नहीं चला, तो आप भी खुश, आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में, टेंशन भी नहीं होगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो, है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 नंबर में 33.1% ठीक है, 11 नंबर में 25%, ठीक है। चलिए आज तक इतना ही पचाइए, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है।